सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि कार्यकर्ता कौन करवा रहा है, इतना है कि हमें सहयोग कितना देना है, ये नहीं देखना है। अगर कोई भी काम कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है तो सबको जो है बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देना चाहिए, 10 रुपये 20 रुपये दे, चाहे 50 रुपये दे, नहीं तो अपना शारीरिक सहयोग भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं पैसों से ही सबको चलता है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ जरूर आए, ठीक है। आप देखिए इसलिए ये लोग मुझसे बहुत प्यार है, तो मैंने कहा चलो एक भजन में राधा रानी का भी सुना देती हूँ, दृष्टि जी का है। राधा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है बड़ा अलौकिक है, और उनका जो प्रेम है ना वो मतलब बहुत यद्यपि उनका विवाह नहीं हो पाया था, राधा कृष्ण जी का, राधा कृष्ण जी का विवाह जैसा कि आपको पता ही है, आपको सबको पता है कि उनका रुक्मिणी से विवाह हुआ था। एक बार का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, तो मैं एक प्रसंग आपको सुनाती हूँ। एक बार राधा जी को देख करके रुक्मिणी जी ने कहा श्री कृष्ण से कि देखिए आपको ना मतलब राधा जी अपार स्नेह करते हैं, मेरे प्रति तो आपको कोई स्नेह है ही नहीं। तो इस तो राधकृष्ण जी बोले कि ठीक है, अभी तो कृष्ण जी बहुत अधिक मतलब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उनके सर में बहुत तेज पीड़ा होने लगी। तो सब राजा ने कहा कि अगर रुक्मिणी जी आप अपने चरणों का जल जल जो है ना अगर श्री कृष्ण जी के माथे पर लगाएंगे तो ये जो है मतलब स्वस्थ हो जाएंगे। रुक्मिणी जी बोले कैसे कर सकते हैं, तो मेरे स्वामी हैं और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, को पहले तैयार होना पड़ेगा, बड़ी तो जब ये बात राधा जी को पता लगी पीड़ा में है तो उन्हें जो है बहुत दुख हुआ, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने अपने चरण धोए और श्री कृष्ण के जो है वो सिर पर उस जल को लगा दिया और श्री कृष्ण तत्काल जो है बिल्कुल खुश हो गए। तो सबने राधा जी से कहा कि तुम्हें जो है इस तरह से तुमने लिया है इसलिए तो तुम्हें नारा भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर श्री कृष्ण इससे सही होते हैं तो मैं एक बार नहीं बल्कि हजार बार भी नरक भोगने को तैयार हूँ। तो ये था राधा अलौकिक प्रेम, तो इसलिए थोड़ा सा राधा रानी आरियो राधा रानी ले जाओ बांध के डोरी, आरियो राधा रानी ले जाओ बांध के डोरी, मैं मोहन मुरली वाला Thank you.
मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिये शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायण।